वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस लाइफ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको 50 RGB LED का सर्किट बना के दिखाऊंगा। दोस्तों ये सर्किट कुछ इस टाइप का देखने में लगता है, देखिए ये कुछ इस टाइप का सर्किट है। इस सर्किट से आप 40 से लेके 50 LED को आप चला सकते हैं, चाहे आपका RGB हो चाहे मल्टी कलर कोई भी LED हो, ये यूनिवर्सल सर्किट की तरह वर्क करेगा। इससे सभी 50 LED आपका अच्छी तरीके से वर्क करने वाला है। इस वीडियो को दोस्तों आप अंत तक जरूर देखिएगा, अगर आप स्किप करके देखेंगे तो हो सकता है कुछ आपको समझ में न आए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों RGB LED का सर्किट बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा PF कैपेसिटर। देखिए ये हमारा PF कैपेसिटर दोस्तों, इसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं होता है। इसका वैल्यू है दोस्तों 474J 450 वोल्ट। 474J के जगह आप KV ले सकते हैं। अगर इसकी वोल्ट की बात करें तो 450 वोल्ट की जगह आप 400 वोल्ट या 250 वोल्ट भी ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो सेकंड कंपोनेंट है ये हमारा है पॉली कैपेसिटर। इस पॉली कैपेसिटर में आपको प्लस माइनस साइन देखने को मिलेगा। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे माइनस का साइन दिया हुआ है और इसके बैक साइड में कोई भी साइन नहीं है, वो पॉजिटिव होता है। इसका वैल्यू देख सकते हैं दोस्तों 2.2 माइक्रोफेराड 450 वोल्ट है। इसके जगह पे आप 4.7 माइक्रोफेराड 10 माइक्रोफेराड ले सकते हैं, लेकिन जो वोल्ट होगा वो 250 वोल्ट से ऊपर होना चाहिए। यानी कि आप 250 वोल्ट 400 वोल्ट या 450 वोल्ट का पॉली कैपेसिटर ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको 1 मेगा ओम क्वार्टर वाट का 1 पीस रेजिस्टेंस लेना होगा। साथ में आपको IN4007 4 पीस डायोड भी लेना होगा। ये डायोड क्या करता है दोस्तों, AC को DC में कन्वर्ट करता है। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को पॉली कैपेसिटर के पैरेलल में इस टाइप से कनेक्शन कर देंगे। देखिए सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे इस टाइप से रखना है और इस टाइप से मोड़ देना है। यहाँ पे कोई भी प्लस माइनस नहीं होता दोस्तों, इसलिए प्लस माइनस के चक्कर में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा लेग जो बचा है उसे हम कटर से क्या करेंगे, काट देंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको चारों डायोड को ले लेना है। और सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, हम लोग दो डायोड ले रहे हैं। इस डायोड का देखिए ऊपर की तरफ आपको दो सिल्वर पट्टी दिख रहा है, तो दोनों सिल्वर पट्टी वाले डायोड को इस टाइप से रख करके हम इसे मोड़ देने वाले हैं। ये इस टाइप से मुड़ गया दोस्तों, देखिए है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, और फिर से दो डायोड हम लोग लेने वाले हैं। और उस डायोड के जो ब्लैक वाला पॉइंट होगा, देखिए सिल्वर पट्टी के ठीक अपोजिट में दोनों ब्लैक वाला है ना, उसे क्या करेंगे इस टाइप से रख के मोड़ देंगे। दोस्तों ये डायोड का दोनों पट्टी जो सिल्वर वाला है वो एक जगह जुड़ा हुआ है, ये आउटपुट का पॉजिटिव होगा। यहाँ पे दोस्तों सिल्वर पट्टी के अपोजिट वाला जो साइड है वो ब्लैक वाला साइड है, वो दोनों एक जगह जुड़ा हुआ है, वो आउटपुट का नेगेटिव होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे चारों डायोड को जोड़ेंगे। इसे आप इस टाइप से भी जोड़ सकते हैं या इस टाइप से भी जोड़ सकते हैं, किसी भी टाइप से जोड़िएगा तो आपका करेक्ट कनेक्शन ही होने वाला है। मैं चलिए दोस्तों इस टाइप से रख देता हूँ और क्या करने वाले हैं, इस दोनों पॉइंट को इस टाइप से फोल्ड कर देंगे। और इस टाइप से भी क्या करेंगे दोस्तों, पूरी तरीके से इसे मोड़ देना है आपको। और जो भी एक्स्ट्रा लेग बचेगा दोस्तों उसे क्या करेंगे, हम लोग कटर से इस टाइप से काट देंगे। अब दोस्तों आपको डायोड का चारों पॉइंट पे क्या करना होगा, सोल्डरिंग कर लेना होगा। मैं देखिए इसी तरह से सोल्डरिंग यहाँ पे कर देता हूँ। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहाँ पे डायोड का दोनों सिल्वर वाला पट्टी है वो हमारा पॉजिटिव है, जहाँ डायोड का दोनों ब्लैक वाला पट्टी है वो नेगेटिव होता है। अब बात आएगी दोस्तों यहाँ पे AC कनेक्शन की, जो हमारे 220 वोल्ट AC कनेक्शन होगा वो कहाँ पे होगा। जहाँ पे डायोड का एक सिल्वर वाला पट्टी और एक ब्लैक वाला पट्टी जहाँ पे सोल्डरिंग हो रहा है वो हमारा AC का फर्स्ट पॉइंट हुआ। और जहाँ पे देखिए इस साइड में सेकंड साइड में डायोड का सिल्वर वाला पट्टी और ब्लैक वाला पट्टी जहाँ है वो हमारा AC का सेकंड पॉइंट हुआ। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, AC का किसी एक पॉइंट में, चाहे इस साइड में चाहे इस साइड में, किसी भी साइड में आपको क्या EF कैपेसिटर को सोल्डरिंग करना होगा। चाहे इधर में सोल्डरिंग करें चाहे इस साइड में सोल्डरिंग करें, किसी भी एक साइड में आपको सोल्डरिंग कर देना होगा। हम दोस्तों इस PF कैपेसिटर को डायोड के AC वाले पॉइंट में सोल्डरिंग कर देंगे। इसे आप डायोड के कोई भी AC वाले पॉइंट में सोल्डरिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि इस पॉली कैपेसिटर को किस टाइप से यहाँ पे सोल्डरिंग करना है। इसका भी सोल्डरिंग बहुत इजी होगा दोस्तों, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे डायोड है उसका जो पॉजिटिव वाला साइड होगा उसे हम लोग क्या करेंगे, पॉली कैपेसिटर के पॉजिटिव वाले साइड से सोल्डरिंग कर देंगे। और जो डायोड का जो हमारा नेगेटिव वाला साइड होगा उसे हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पॉली कैपेसिटर के नेगेटिव वाले साइन से सोल्डरिंग कर देंगे। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, हमने कैपेसिटर के माइनस वाले पॉइंट को डायोड के माइनस वाले पॉइंट से जोड़ दिया है, और जो हमारा कैपेसिटर का पॉजिटिव पॉइंट है उसे डायोड के पॉजिटिव पॉइंट से जोड़ दिया है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इसे सोल्डरिंग कर देंगे। दोस्तों देखिए इस टाइप से यहाँ सोल्डरिंग करना देना है आपको, और सेकेंड वाले पॉइंट को भी सोल्डरिंग कर देना है।
दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं एसी वायर को कनेक्शन करूंगा। देखिए एसी वायर का फर्स्ट वायर को क्या कर रहा हूँ मैं, इस पीएफ के सेकंड वाले पॉइंट से मैं यहाँ पे सोल्डरिंग कर रहा हूँ, है ना। अब हम लोग एसी के सेकंड वाले वायर को क्या करेंगे, देखिए जहाँ पे इस डायोड का सिल्वर पट्टी और ब्लैक पट्टी जहाँ मैच हो रहा था वो हमारा एसी का सेकंड वायर हो जाएगा, इसे मैं यहाँ पे सोल्डरिंग कर देता हूँ। अब आती है डीसी के लिए, तो डीसी के लिए तो मैं बता ही दिया जहाँ पे डायोड का दोनों सिल्वर पट्टी हो रहा है वो हमारा डीसी का पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में मैं यहाँ पे ब्लू कलर का वायर को सोल्डरिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ग्रीन कलर का वायर को क्या करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव में सोल्डरिंग करेंगे। देख सकते दोस्तों हमारा सोल्डरिंग हो गया है। दोस्तों इस सर्किट को टेस्ट करने के लिए हमने यहाँ पे 50 RGB LED को सीरीज में कनेक्शन कर दिया। देखिए जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, जो हमारा फर्स्ट LED का जो सेकंड वाला लेग है वो होता है नेगेटिव, उसे हम लोग जोड़ दिए सेकंड LED के फर्स्ट वाले पॉजिटिव लेग से। उसी टाइप से सेकंड वाले LED के सेकंड जो लेग है वो हमारा है नेगेटिव, और जो थर्ड LED का जो फर्स्ट लेग है वो है पॉजिटिव। इस टाइप से सभी LED को सीरीज में जोड़ा गया है। ये तो आप जानते हैं दोस्तों, जो LED का जो लॉन्ग लेग होता है वो पॉजिटिव होता है, शॉर्ट लेग नेगेटिव होता है। पे दोस्तों जो ब्लू कलर का वायर था वो पॉजिटिव था, उसे हम लोग LED के पॉजिटिव वाले पॉइंट से सोल्डरिंग कर देंगे। उसी टाइप से जो यहाँ पे ग्रीन कलर का जो वायर था दोस्तों वो नेगेटिव वाला पॉइंट था, उसे LED के नेगेटिव वाले टर्मिनल से सोल्डरिंग आपको करना होगा। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे सोल्डरिंग कर दिया है। अब दोस्तों मैं इस सर्किट को 220 वोल्ट AC लाइन से कनेक्ट करता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये सर्किट कितना अच्छा से वर्क कर रहा है, इसका ब्राइटनेस भी फुल आ रहा है, देखिए काफी दोस्तों ये अच्छा लग रहा है। एक बार मैं दोस्तों लाइट को ऑफ करके आपको दिखाता हूँ कि इस RGB LED का ब्राइटनेस कैसा लगता है। देखिए दोस्तों जैसे मैंने इस लाइट को ऑफ किया तो आपको ब्राइटनेस पता चल रहा है कितना हाई ब्राइटनेस आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे कैमरा का रिफ्लेक्शन हो रहा है जिस कारण से आपको देखिए सर्किट के पास राउंड टाइप का LED जलती हुई दिख रहा है, लेकिन वहाँ पे कोई भी LED नहीं जल रहा है, वो कैमरा का रिफ्लेक्शन से इस टाइप का आपको शो हो रहा है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद जय भारत।